नमस्कार साथियों, आज हम दो शिक्षा विभाग की बड़ी खबर लेकर के आए हैं। पहली खबर है कि हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे शिक्षक कोरोना से प्रभावित हुए हैं, वहीं दो दर्जन से भी अधिक शिक्षकों की मौत हो गई है। तो वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है शिक्षा विभाग के टीचरों की कमी आ रही है, वहीं पड़ोस के स्कूल से उधार लेकर के दूर की जाएगी टीचरों की कमी। तो ये RSK ने शिक्षक विहीन स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन दो खबरों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जान रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं खबरों को डिटेल में। वहीं आज भोपाल से ये खबर निकल करके आ रही है कि हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत 20 से भी अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है कोरोना महामारी के कारण। 3 दर्जन से ज्यादा शिक्षक संक्रमित, अब विद्यार्थियों पर भारी न पड़ जाए स्कूल की आंशिक कक्षाएं। तो दोस्तों मोहल्ला क्लासेस जहां चल रही हैं हमारा घर हमारा विद्यालय की कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की, और वहीं 9 से लेकर के 12 तक के स्कूल 21 सितंबर से खुल गए हैं। तो देखते हैं क्या है। प्रदेश भर में स्कूल में चल रही मोहल्ला व रूटीन क्लास में शिक्षकों पर भारी पड़ने वाली है। राजधानी समेत प्रदेश भर में कोरोना से 20 से भी अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। 3 दर्जन से ज्यादा शिक्षक व स्कूल शिक्षा अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। समय रहते स्कूल शिक्षा विभाग ठोस कदम नहीं उठाता है तो आंशिक रूप से स्कूल खोल करके विद्यार्थियों की पढ़ाई पर अब उन पर भारी पड़ जाएगी। प्रदेश भर में निजी स्कूलों में पहले से 8वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र ने राजधानी समेत प्रदेश के घर में बच्चों को मोहल्ला क्लास शुरू की गई है। मोहल्ला क्लास में शिक्षक मोहल्ले में बच्चों को एकत्र करके पढ़ाते जा रहे हैं। वहीं केंद्र की गाइडलाइन को बताते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक आंशिक रूप से बीती 21 सितंबर से स्कूल में खोल दिए गए हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना के हालत बिगड़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि राजधानी समेत प्रदेश भर में कोरोना अब तक करीब 20 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा शिक्षक व अधिकारी कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना के बिगड़ते हालात पर ध्यान नहीं दिया है तो स्कूल खोल करके विद्यार्थियों की लगाई जा रही आंशिक क्लास अब उन पर ही भारी पड़ने लगी है। मध्य प्रदेश शिक्षा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष सक्सेना का कहना है कि मुख्यमंत्री व स्कूल शिक्षा मंत्री शिक्षा में तत्काल प्रभाव में चल रही मोहल्ला क्लास बंद करने का आग्रह किया है। वहीं सक्सेना का कहना है कि शिक्षकों को कोरोना महामारी से मौत की सूचना दिन प्रतिदिन आ रही है। विभाग की लापरवाही योजना के कारण शिक्षक मर रहे हैं। वहीं इन क्लासों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा करके कुछ अलग योजना बनाई जाए जिससे शिक्षक व बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। तो इन शिक्षकों को बीते 15 दिन में मौत हुई है, ये विभिन्न जिलों से ये शिक्षकों की मौत हुई है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों पड़ोस के स्कूल से उधार लेकर दूर की जाएगी टीचरों की कमी। तो स्कूल 21 सितंबर से खुल गए हैं, वहीं स्कूल में शिक्षकों की कमी आ रही है। तो इसे दूर करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि पड़ोस के जो स्कूल हैं, मिडिल स्कूल के जहां टीचर व प्राथमिक विद्यालय के टीचर जहां मोहल्ला क्लासेस लगा रहे हैं, जो शिक्षक बचे हुए हैं वह पड़ोस के स्कूल में अपनी सेवाएं देंगे, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। प्रदेश भर में केंद्र सरकार ने निर्देश के बीच 9 से 12 तक के बच्चों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में ऐसे भी हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। ऐसे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए पड़ोस के स्कूल के टीचरों का आदेश दिया गया है। हालांकि 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर के कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में इन कक्षाओं के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयक को उक्त स्कूल के पास के स्कूल के शिक्षकों की मदद से बच्चों की पढ़ाई कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कोविड-19 की परिस्थितियों में हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से शिक्षक व्यवस्था पालकों और शिक्षकों की मदद से की जाएगी। वहीं प्रदेश में कुछ स्कूल ऐसे भी है जहां कोई शिक्षक नहीं है। ऐसे में गतिविधियों को संचालन के लिए CSE और पास की पाठशाला के शिक्षकों की मदद ली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की मदद ली जाएगी, अब अतिथि शिक्षकों को काम पर नहीं रखा जा रहा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।